हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस ही एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेक्चर से स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम नंबर एट। इन प्रॉब्लम एट यू कैन सी डाटा गिवन है कैपिटल ऑफ वेलफेयर लिमिटेड इज एज फॉलोअर्स। तो आपका डाटा दिया है कैपिटल रुपीज इन लैक्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच 50 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 100 70 लाख, 12% लॉन्ग टर्म लोन रुपीज 30 लैक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50%, टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट है आपका 50%, डेप्रिसिएशन इज गिवन, इक्विटी डिविडेंड पेड इज 10%, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज रुपीज 200 पर शेयर, लॉन्ग टर्म लोन इज टू बी रीपेड इन 5 equal annual इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि डेट है आपका उसको अपने 5 इंस्टॉलमेंट में रिड्यूम करना है। सो कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। पिछले कहा कि डिविडेंड कवरेज रेशो इक्विटी की भी और प्रेफरेंस की भी। सो लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट वी हैव डिविडेंड कवर, तो फर्स्ट इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो PDCR। फॉर्मूला क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं पैक में से अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। तो रुपीज आपको दिए हैं सारे लैक्स में। अब देखिए पैक आपको दिया है 15 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका 50 लाख, उसका डिविडेंड है 10% प्रेफरेंस शेयर से, इट मीन्स 50 × 10%, सो दिस विल बी 15/5, सो इट इज कमिंग 3 times प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। देन वी हैव इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो। इक्विटी डिविडेंड हम पे करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर इक्विटी। प्रॉफिट फॉर इक्विटी होता है पैक माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, बैलेंस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड आपको दिया 10% हमने पे करना है, ये हम पे करके हैं पेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर। इक्विटी शेयर कैपिटल है 70 लाख, सो दिस विल बी पैक 15, प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 5, 70 लाख का कैपिटल के ऊपर 10% हो गया आपका इक्विटी डिविडेंड, दिस इज 10/7, सो दिस विल बी इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो। सो 10/7 1.4286 राउंड अप कर सकते हैं 1.43। फिर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिविडेंड कवरेज रेशो, डिविडेंड कवरेज रेशो। तो दोनों डिविडेंड्स हम पे करते हैं पैक में से, तो फार्मूला है इसका पैक डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड। पैक इज 15, प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 5, इक्विटी है आपका 7, जिसे 15/12, तो जिसे 1.25 times। तो नेक्स्ट डेयर आते हैं बच्चे अर्निंग पर शेयर EPS, सेकंड EPS। तो EPS का फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर इक्विटी, बिकेज इक्वल टू अवर पैक माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
directly by number of equity shares. देखो प्रॉफिट फॉर इक्विटी है आपका 15-5, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इक्विटी शेयर कैपिटल गया है 70 लाख और ये है 100 रुपीज़ का शेयर, तो डिवाइड कर दो 100 से, ये बन जाएंगे 70,000 शेयर, ये लैक्स में है, 1,000 बन जाएगा 0.70 लाख, तो दिस इज 10/0.7 दिस विल बी अर्निंग पर शेयर, तो रुपीज 14.286। नेक्स्ट रेशो कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशो, तो थर्ड इज अवर प्राइस अर्निंग रेशो, तो दिस इज रेशो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टू अर्निंग पर शेयर, क्योंकि ई पी एस आपको दिया है रुपीज 200 पर शेयर, इनका क्वेश्चन ई पी एस है आपकी 14.286, तो दिस विल बी प्राइस अर्निंग रेशो, दिस इज 14 टाइम्स। तो नेक्स्ट इज रास्ते इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो फोर्थ रेशो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज आई सी रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है इबिट अपॉन इंटरेस्ट। अब आपको देखो इसमें पैट लिया है, पैट को बनाते हैं पहले पी बी टी बट विल बी ई बी आई टी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा पैट, इसको डिवाइड के लिए 1 माइनस टैक्स रेट से पी बी टी, उसमें इंटरेस्ट एड बैक कर लीजिए आप, सो पैक इज गिवन 15, टैक्स रेट इज 50%, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका जिसे गिवन 12% लॉन्ग टर्म लोन, 30 लाख का लोन है उसके ऊपर 12%, तो 30 लाख इंटू 12%, तो दिस विल बी 30+3.6, 33.6, इसमें बुक क्या रखें इंटरेस्ट कवरेज रेशो 33.6 और इंटरेस्ट है आपका 3.6, जिसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो 33.6/3.6 9.33 टाइम्स। नेक्स्ट कह रहा हूँ कैश फ्लो कवरेज रेशो, इसी के बारे में फिफ्थ फार्मूला कैश फ्लो कवरेज रेशो, इसका फार्मूला होता है इसमें हमें चाहिए इबिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बट इन कैश, कैश के लिए डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिए आप, और इसमें हम लेते हैं इंटरेस्ट भी और प्लस जो लोन की इंस्टॉलमेंट है उसको बनाते हैं बिफोर टैक्स, तो इट मीन्स डेट का बर्गन पे करने के लिए कितना कैश प्रॉफिट है आपके पास, तो इबिट आपने कैलकुलेट किया है 33.6, डेप्रिसिएशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन है कि 6 लाख, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है 3.6 में। अब देखो लोन की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, लोन आपने रीपे करना है 5 इंस्टॉलमेंट में, तो वट इज रिडेम्पशन वैल्यू, टोटल लोन आपको दिया 30/5 जैसे कि 6, तो उसको बुक कर के 6 इसको बना लीजिए बिफोर टैक्स, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट भी बिफोर टैक्स होता है, तो नीचे हमें रिडेम्पशन भी चाहिए बिफोर टैक्स, तो दिस रेशो इज 39.6, ये बन जाएगी 12+3 15.6, सो 39.6 डिवाइडेड बाई 15.6 जिसे 2.5385 टाइम्स जिसे कैश फ्लो कवरेज रेशो। तो नेक्स्ट ये रास्ते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो DSCR, सिक्स्थ रेशो ये रास्ते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो, इसमें हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको बनाते हैं बिफोर इंटरेस्ट और हम लेते हैं कैश में इन कैश, तो यू ऐड बैक टू डेप्रिसिएशन नीचे आता है इंटरेस्ट प्लस लोन की रिडेम्पशन वैल्यू और लोन के जो रीपे करना है पर एनम, ये शो करती है कि कितने टाइम्स कैश प्रॉफिट अवेलेबल है बट आफ्टर टैक्स टू पे टोटल बर्गन ऑफ डेट, पैक देखो दिया है 15, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 3.6, डेप्रिसिएशन दिया है आपको 6, इंटरेस्ट के लिए 3.6, रिडेम्पशन भी आपकी आ रही है 6, इसी के 24.6/9.6 दिस विल बी डेट सर्विस कवरेज रेशो 2.562। नेक्स्ट कह रहा है फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशो,
This is a 7 to ratio. They are asking fixed to charge coverage ratio. Fixed charge is okay. EBIT is how many times? To be fixed burden. Formula is for EBIT. नीचे फिक्स बर्गन में आके इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड पर इसको बनाते हैं बिफोर टैक्स। तो इबिट देखो आपने कैलकुलेट किया था 33.6, इंटरेस्ट है आपका 3.6 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड हमें दे रखा है 10% 150 लाख 5, इसको बना लीजिए बिफोर टैक्स। जैसे 33.6 अपॉन दिस विल बिकम 10 प्लस ये 13.6, this will be fixed charge coverage ratio 33.6 upon 13.6 2.47, वन भी कर रखे हैं राउंड की फिगर 2.471 टाइम्स। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी रेशो उसमें कवर हुई है, आप ध्यान से समझ लीजिए, जेन्यू का नोट डाउन। तो नेक्स्ट लगे सी प्रॉब्लम नंबर 9th। सो इन दिस केस वी आर गिवन विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन सो कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ MNOP लिमिटेड। आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट को। क्या क्या है आपके पास? ओनर्स इक्विटी रुपये की 10 लाख। सो इक्विटी गिवन रुपये की 10 लाख। फिर आपको कुछ रेशो दिए हैं, करंट डेट टू टोटल डेट। करंट डेट टू टोटल डेट होता है करंट लाइबिलिटी टू टोटल डेट। टोटल डेट में आता है करंट डेट लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी। दिस रेशियो इज गिवन 0.40। फिर आपको दी है टोटल डेट को ओनर्स इक्विटी, टोटल डेट अपॉन ओनर्स इक्विटी। दिस इज गिवन, दिस इज 0.6। ओनर्स इक्विटी देखो आपको दी है, इससे टोटल डेट कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल डेट से करंट लाइबिलिटी सबकी कैलकुलेट हो जाएंगी। सो अगेन वी आर गिवन फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी। फिर एक आपको दी है फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी, में सिंपली इक्विटी भी कह सकते हैं, जिसे आल्सो गिवन 0.6। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट्स से टर्नओवर रेशो, जिसे गिवन 2 टाइम्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है 8 टाइम्स। तो ये कुछ रेशो आपको दी हैं, कुछ टाल करते हैं देखो कहाँ से इक्विटी दी है, इक्विटी यूज हो रही है टोटल डेट में। तो पहली कैलकुलेशन होगी आपकी टोटल डेट की, तो फार्मूला बन जाएगा टोटल डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 0.6, इक्विटी के 10 लाख, उससे टोटल डेट आ जाएगा आपका 10 × 0.6 6 लाख। तो रुपये आप क्या करते हैं लैक्स में, टोटल डेट से फिर करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। सेकेंड यू कैन कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज, आपके पास रेशो है करंट लाइबिलिटीज टू टोटल डेट इक्वल टू 0.4, तो उससे करंट लाइबिलिटीज आ गई 6 × 0.4 2.4। अब टोटल डेट में से करंट माइनस करेंगे हम तो वो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म। तो जैसे टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, सो टोटल डेट की 6 करंट के लिए 2.4, बैलेंस है 3.6। तो करंट लाइबिलिटीज आ गई, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, इक्विटी आपको गे रखी है, एक में इससे बैलेंस शीट की एक साइड आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो लेके सी डेट में, सो इफ इफ वी ग्रो आवर बैलेंस शीट तो इट विल बी लाइक दिस। तो पहले हम लेंगे ओनर से इक्विटी, देन डेट विच इज लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज। इक्विटी देखो आपको दी है 10 लाख, रुपी की लैक्स में है। देन वी हैव लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म 3.6, देन देख लीजिए करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म डेट 2.4, टोटल लीजिए 16।
इससे टोटल एसेट्स आ जाएंगी आपकी 16। तो इसको यूज कर सकते हैं फिर आप। इट मीन्स वी कैन से दैट फोर्थ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल एसेट्स, दैट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस ए डेट प्लस ए करंट लाइबिलिटीज, दिस इज कमिंग 16 जो आपने कैलकुलेट किया है पे बैलेंस शीट। अब आपको दी है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इससे सेल्स आ जाएंगी आपकी। सो टोटल एसेट से टर्नओवर, सो दिस रेशियो इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स हैं 16, सो यू विल गेट योर सेल्स 16 × 2 = 32 lakhs। तो इससे आपकी आ जाएंगी अब जिसे जो अवर टोटल ऐसे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, उससे इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी विच इज आवर स्टॉक टर्न ओवर रेशो। इसमें जो कुछ जी पी मैंशन नहीं किया, तो जब जी पी नहीं किया तो स्टॉक टर्न ओवर बेस हो जाएगी सेल्स के बेस पर, तो जिसे क्या हो गया सेल्स डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री। तो वकी अवर इन्वेंट्री इटली सेल्स 32 टर्न ओवर रेशो की 8 जिस कमिंग 4 पर एक आपको दिन है फिक्स कैसेज की इक्विटी रेशो, इक्विटी है आपके पास उससे फिक्स कैसेज आ जाएंगी आपकी 7 के टर्म में जो फिक्स कैसेज से टू इक्विटी 10 एक 0.6 है तो उससे फिक्स कैसेज आ गई आपकी 6। अब टोटल एसेट्स नहीं है आपके पास 16, उसमें से माइनस कीजिए फिक्स क्यों एयर की करंट एसेट्स, देखिए टोटल एसेट्स माइनस फिक्स कैसेट्स जैसे कि 16 − 6 10। करंट कैसेट्स में स्टॉक भी इंक्लूड है, स्टॉक को एक अलग करके बाकी आ जाएंगी आपकी क्विक एसेट्स 9। सो क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक जैसे कि 10 − 4 इक्वल टू 6। अब आप क्या था कि बैलेंस शीट में फिक्स कैसेट्स हैं, करंट एसेट्स में आपका स्टॉक है एंड जी क्विक एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स हैं आपकी 6, स्टॉक है 4, क्विक एसेट्स हैं आपकी 6, किसी कमिंग 16 किसी अगर बैलेंस। सो सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको चलाना पड़ गया कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप स्टार्ट कीजिए, देन इट विल गो ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 10, लेकिन ये टैंक क्वेश्चन में आपको रखा गया है तो यूजिंग ऑफ फ्लोइंग डेटा प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड। सो कहता है ये जीपी आपको दिया है ग्रोस प्रॉफिट 54,000 रुपीज, शेयर हो गया कौन सा रुपीज 6 lakh। सो लेकिन राइट डेटा ग्रोस प्रॉफिट रुपीज 54,000, तो शेयर हो गया फंड्स हो गए आपके नेटवर्क, ये मैं शोर में लिख रहा हूँ नेटवर्क इज गिवन रुपीज 6 lakh। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 20% मीन्स जी पी रेशो इज 20%। तो क्रैकली सेल्स टू टोटल सेल 80%, फिर आपको रेशो दिए क्रैकली सेल्स टू टोटल सेल 80%, एक मीन्स टोटल सेल्स में से क्रैकली सेल्स हैं आपकी 80%। टोटल एसेस टर्नओवर आपको दिए है 0.3 times टोटल एसेट से टर्न ओवर 0.23। देन वी हैव इन्वेंट्री टर्न ओवर मीन्स ए स्टॉक टर्न ओवर रेशो जिसे जो 4 times। एवरेज कलेक्शन पीरियड ए सी पी विद 360 days अ ईयर 20 days एंड करंट रेशो इज गिवन जिसे जो 1.8। लॉन्ग टर्म डेट को इक्विटी मीन्स डेट इक्विटी रेशो सो दिस इज गिवन 40%। तो देखिए आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, नेटवर्क मीन्स इक्विटी की है, इक्विटी से आपका डेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लॉन्ग टर्म डेट, सो यू अप्लाई रेशो डेट इक्विटी रेशो एक डेट अपॉन इक्विटी मीन्स नेटवर्क 40%, तो इससे गेट आ जाएगा आपका 40% ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की 6 lakh × 40%।
240। अब आपको दी है टोटल एसेट टर्न ओवर है, जीपी है, जीपी रेशो है, जीपी से आपकी सेल्स आ जाएंगी। सेकंड आइटम यू कैन कैलकुलेट सेल्स एंड जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी है 54,000 विच इज 20% ऑफ सेल, जीपी रेशो है 20, तो आपकी सेल्स आ जाएंगी जीपी अपॉन जीपी रेशो, जिसे जो 54,000 डिवाइडेड बाई 20%। अगर सेल्स आर 54 डिवाइडेड बाई 20% रुपीज 2,70,000 माइनस आपको जी पी, इससे सी ओ जी एस आ जाएगी आपकी सेल्स माइनस जी पी। 270 माइनस 54,000 सी ओ जी एस 216,000। तो इससे आपकी वो आ जाएंगी इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, इससे स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा। सो थर्ड आइटम वी कैन कैलकुलेट स्टॉक। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक। जैसे क्वेश्चन में जब ओपनिंग डाटा नहीं दिया होता है तो हम यही एज्यूम करते हैं कि ये सारा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग डेटर्स है। सो स्टॉक विल बी सी ओ जी एस 216 डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 times, सो डिवाइडेड बाई 4, 54,000। अब आप टोटल एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एसेट टर्नओवर दिए हैं हमें। सो यू कैन अप्लाई दिस फोर्थ फार्मूला। सो टोटल एसेट से टर्नओवर रेशियो ये सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो सिर्फ टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपकी। सो सेल्स वी हैव 270, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज गिवन 0.3। सो जिसे जो 270 डिवाइडेड बाई 0.3 रुपीज 9 lakh हमारी है टोटल एसेट्स। टोटल में से आप करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस रहेंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब आपके पास है एसीपी है, क्रेडिट सेल्स है टोटल सेल्स की, को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो क्रेडिट सेल एंड गैटर्स, तो गैटर्स का फार्मूला बन जाएगा, कलेक्शन पीरियड आपको दिया है 20 days, तो फार्मूला है एसीपी इनटू क्रेडिट सेल्स अपॉन टोटल डेज आपको दिए हैं 360। देखो टोटल सेल्स कितनी है आपकी, टोटल सेल्स हैं 270, उसमें से क्रेडिट हैं आपकी 80% विच इज वन, इनको ए सी पी आपको दिया है 20 days, टोटल डेज हैं आपके 360। दिस विल गेट डेटर्स 270 इंटू 80% इंटू 20 डिवाइडेड बाय 360 12,000। अब अप्लाई करते हैं हम, नेटवर्क है, डेट है, टोटल एसेट्स हैं, अब इक्वेशन बनाते हैं तो उससे करंट रेशो है आपको दिए हैं, करंट लाइबिलिटीज चाहिए वो कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ 6 हम बना रहे हैं वो बैलेंस शीट इक्वेशन। देखो बैलेंस शीट में आपके पास है नेटवर्क आपको दे रखी है, फिर आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है यानी कि करंट लाइबिलिटीज, जिसके लिए हम टोटल लाइबिलिटीज और ये टोटल एसेट्स आ जाएंगी आपकी। टोटल एसेट्स आपकी ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई हैं, देखिए इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज आल्सो। नेटवर्क है आपकी 6 lakh, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो दी थी आपको 40% डेट था हमारा 240, बैलेंस रहेगी आपकी करंट लाइबिलिटी 60,000। तो इट मीन्स करंट लाइबिलिटीज का फार्मूला बन गया आपका टोटल लाइबिलिटीज माइनस नेटवर्क माइनस डेट, तो 9 lakh माइनस 6 lakh माइनस 240 बैलेंस ही करंट लाइबिलिटीज। अब करंट रेशो है आपके पास, उससे करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके। सो 7 यू गेट करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जिसे करंट रेशो 1.8, उससे आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज हैं 60,000 इनको 1.8, सो 60,000 इनको 1.8 108,000।
इसमें स्टॉक भी है आपके पास, डेटर्स भी हैं, बैलेंस कैश आ जाएगा करंट कैसेस का, और रिमेनिंग आपकी आ जाएंगी फिक्स कैसेस। देखो करंट कैसेस में आपके पास स्टॉक है 54,000, डेटर्स हैं आपके पास देखिए 12,000, टोटल करंट कैसेस हैं 108, उसमें से माइनस कीजिए बैलेंस आपका कैश आ जाएगा। सो 108 माइनस 54,000 माइनस 12,000, 42,000 इसी यू। अब 9 लिखने से माइनस कीजिए 108, बैलेंस आपकी आ जाएंगी फिक्स कैसेस 792,000, ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं पहले फिक्स कैसे इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, फिर उसको बैलेंस शीट में पुट कर लीजिए उसी से भरो बैलेंस शीट। तो सिंपल क्वेश्चन का आप ध्यान से करके समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। सो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भारत स्टील वर्क्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है, सेंगरी क्रेडिटर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक है, डेटर कैश एंड बैंक बैलेंस। द मैनेजमेंट मेक्स ऑफ लोइंग एस्टिमेट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। इट मीन्स आपको फाइनेंशियल ईयर दिया है तो 2021 to 2022, तो अब आपका आ गया 31 मार्च 2022, ये हो गया आपका ओपनिंग 1 अप्रैल 2021। इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, फिर आपको दिया साल के एंड में परचेजी आपको फेबररी 30,40,000 एंड ड्यूरिंग मार्च 2022 210,000, देखो परचेज आपको दी है आपको फेबररी तक की दी है आपको, फिर आपको दिए मार्च के मंथ की, इसी तरीके से आपको सेल्स दे रखी है या किसी परचेजेज अप टू फेबररी के लिए 30,40,000 एंड ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ मार्च इट इज 210,000। सेल्स आर गिवन 44,80,000 एंड ड्यूरिंग मार्च इट इज 5,00,000। तो टोटल पूरे साल की बन जाएगी, गेस प्लस गेस इनको ऐड कर दीजिए तो टोटल सेल परचेज आ जाएंगी। मैनेजमेंट डिसाइड्स में इन्वेस्ट टू ₹3,00,000 इन परचेज को फिक्स कैसे इनका बिगनिंग होगा ईयर विच आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। अब साल के शुरू में कंपनी बाय कर रही है न्यू फिक्स कैसेट्स ऑफ ₹3,00,000 को हम डेप्रिशन चार्ज करेंगे हम एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिशन आपने चार्ज करनी है जो ओपनिंग एसेट्स दिए हैं बैलेंस शीट में प्लस जो नई परचेज होगी उसके ऊपर आपको मिलेगी इस साल में। टाइम लैग फॉर पेमेंट को क्रेडिटर एंड रिसीव फ्रॉम डेटर ही 1 मंथ, जो टाइम लैग है हमारा क्रेडिटर्स को पे करने का वो 1 मंथ है, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड भी 1 मंथ है। इट मीन्स जो सेल या परचेज मार्च में हो रही है वो हमने ना पे की ना कलेक्ट हुई तो वही हमारे डेटर क्रेडिटर बन जाएंगे क्योंकि 1 मंथ का टाइम है, इसीलिए इन्होंने ये सेल प्रक्रिया आपको सेपरेटली दे रखी है मार्च की 1 महीने की। बिजनेस रन से ग्रोस प्रॉफिट 33.1%, 1/3 हमें प्रॉफिट हो रहा है सेल्स के ऊपर। सेंट्रल एक्सपेंसिज अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी 12% ऑफ टर्नओवर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसिज है हमारे 12%, तो आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट होगा कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो बैलेंस शीट के लिए आपको ओपनिंग जैसे पी एंड एल का बैलेंस है तो इस साल का प्रॉफिट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा क्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो लेट अस शो गैकमन, तो क्रेडिंग एंड जो पी एंड एल, जिसे जो फॉर द ईयर सो एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। और देखिए परफॉर्मा आपका नॉर्मल चलेगा, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास जो बैलेंस शीट में गया ओपनिंग बैलेंस शीट में 9,00,000, यानी परचेजेज
यानी डायरेक्ट एक्सपेंसिव है नहीं, जीपी आ जाएगा बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक पर के जी देखो टोटल करके आप गेस प्लस गेस 32,50,000 जीपी टोटल सेल्स आ जाएंगे 49,80। जीपी है आपका 1/3 ऑफ सेल, तो सेल्स हैं 49,80, उसका कर रखें 1/3, जिसे 1660। बैलेंस आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बैलेंसिंग जो फिगर। तो 1660 प्लस 3250 प्लस 9 लाख, तो गेस टोटली कमिंग 58,10,000, 58,10,000, सो माइनस 49,80,000, तो किसी के 8,30,000 ये जबर क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका जीपी आ गया है बाई जीपी, जैसे कि 1660, तो इसके अगेंस्ट आप एक्सपेंसिव के चार कर सकते हैं। एक्सपेंसिव आपको दिए हैं सिंगल एक्सपेंसिव आर 12% ऑफ टर्न ओवर, तो ये जो टोटल सेल्स हैं उसका कर दीजिए 12% ऑफ 49,80। सो 49,80 इनको 12%, जिसे 597,600, जिसे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब हम डेप्रिसिएशन चार करेंगे एसेस के ऊपर। देखो ओपनिंग एसेस हैं बैलेंस शीट में 10 लाख की, 10 लाख प्लस 3 लाख की परचेज की है, टोटल एसेस होगी आपकी 13 लाख। तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार करनी है 10%, 1,30,000 बैलेंस आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसमें कोई टैक्स नहीं है, एक में यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स है। 1660 माइनस 597,600 माइनस 1,30,000 932,400। अब आपको बैलेंस शीट में स्टॉक भी आपके पास आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स आ गए हैं, P&L के बैलेंस में ऐड हो गया, कैपिटल सेम है, फिक्स्ड एसेट्स आ गई हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कैश का बैलेंस, कैश है जो बैंक अकाउंट बना लीजिए आप, क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 2 BB, ओपनिंग कैश है बैंक 660। फिर सेल्स में आपको डेटर्स के थ्रू कलेक्शन होगी, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग डेटर्स हैं आपके बैलेंस शीट में 5 लाख प्लस जितनी सेल्स की आपने इस साल 49,80 माइनस कर दो क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स हैं आपके जिसे क्या 5 लाख, एक में कलेक्शन फ्रॉम सेल है जो 49,80। फिर आपने पेमेंट की क्रेडिटर्स को 4 पर KG के लिए, इसका भी फार्मूला है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं आपके 5 लाख, फिर टोटल पर KG है आपकी 3250, और क्रेडिटर्स हैं क्लोजिंग हमारे जो मार्च ही पर KG है 210,000 की माइनस 210, तो किसी ओवर पेमेंट जो 2 क्रेडिटर्स है 3250 प्लस 5 लाख माइनस 210,000 35,40,000। फिर आपने फिक्स कैसे परचेज करी है 3 लाख की साल के शुरू में, और एक आपने संजीव एक्सपेंसिव पे किए हैं, देखिए गिवन 12% ऑफ सेल 597,600, और यह कोई सेल परचेज नहीं है, SST कोई शेयर इशू नहीं किए, बैलेंस विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जैसे कि बाय बैलेंस सी बी, सो टोटल 660 प्लस 49,80 56,40,000 माइनस कर लीजिए आप 3540
माइनस 897 600, बैलेंस रह जाएगा आपका 1,20,000, तो 12,02,400। अब बनाते हैं बैलेंस शीट इसको, तो लेकर से बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, इसमें देखो फिक्स कैसेस आ जाएंगे आपकी, फिर आपको दिया है स्टॉक, स्टॉक अभी हमने कैलकुलेट किया था क्रेडिट अकाउंट में 830, फिक्स कैसे देखो कितनी है टोटल की 13 लाख की, उसके ऊपर कैप्टेशन चार्ज होगी 1,30,000, तो ये रह जाएंगे आपके 11,70,000। देन वी हैव गैकर्स, गैकर्स आपके क्लोजिंग गैकर्स हैं 5 लाख, जो मार्च के मंथ की सेल हो रही है। कैश का बैलेंस, कैश एंड बैंक, ये हमने कैलकुलेट किया है 12,02,400, दिस विल बी टोटल बैलेंस। लाइब्रेरी साइड में देखिए शेयर कैपिटल है, ये सेम रहेगा आपको, पी एन एल का बैलेंस है ओपनिंग और इस साल का जो प्रॉफिट है वो शेयर कैपिटल है 24 लाख, पी एन एल में ओपनिंग और नेट प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस है 160, इस साल का नेट प्रॉफिट है 932,400, सो टोटली ये 1,092,400। फिर आपके हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के हमारे 210, जो मार्च महीने की परचेज है उसकी पेमेंट आपने नहीं की है, सो जिस विल बी अवर टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो लेके से वट इज दिस टोटल 24 लाख प्लस 10 लाख 92,400 प्लस 210, इसी कमिंग 37,02,400 ऑन अगर साइड 1,170 प्लस 8,1,1,330 प्लस 12,02,400 37,02,400। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझ लीजिए या न्यू पेन नोट डाउन। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है रेशो की, फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।